वहीं यूपी के संभल में बसपा सुप्रीमो मायावती के कार्यक्रम में मजदूरों की जगह स्कूली बच्चों से काम करवाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आयोजकों ने मायावती की सभा होने से पहले संभल स्थल पर स्कूली बच्चों को कुर्सियां बिछाने पर लगा दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर रहती है। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को भी बसपा ने चुनावी मुद्दा बनाया हुआ है, लेकिन मायावती के बहुजन समाज पार्टी के ही प्रत्याशी कानूनन और आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ताजा मामला है संभल जिले के विधानसभा चंदौसी का। आज चंदौसी के मोलागढ़ में मायावती की चुनावी सभा होनी है। मायावती की सभा होने से पहले आयोजकों ने सभा स्थल पर स्कूली बच्चों को कुर्सियां बिछाने पर लगा दिया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यहाँ क्या कर रहे हो? कौन आ रहा है? क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये कुर्सी बिछा रहे हो? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अनिकेत। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सिक्स। कौन आ रहा है यहाँ पे? हमारी बहन कुमारी मायावती जी। अच्छा, तो यहाँ क्या काम कर रहे हो आप? हम यहाँ पे उनके लिए, उनकी पब्लिक के लिए कुर्सी बिछा रहे हैं यहाँ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? अनिकेत। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर। अच्छा, कौन आ रहा है यहाँ पर? बहन कुमारी मायावती जी। तो यहाँ क्या काम कर रहे हो आप? कुर्सी से लगा रहे थे। आपको बता दें कि बसपा नेताओं की उपस्थिति में ही स्कूली बच्चे घंटों तक काम करते रहे और बसपा नेता प्रदेश भर में कानून व्यवस्था की दुहाई देते रहे। मोहम्मद सद्दाक, संभल, समाचार एक्सप्रेस।